15 तारीख, बज रहा है 10:30। नींद से उठे, नहा बहाया, अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि इस होटल में तो किचन है नहीं, तो ब्रेकफास्ट करने जाना है। और 11 बजे तक ये होटल, ये रूम छोड़ना है, क्योंकि 11 बजे तक लास्ट डेडलाइन है, तो छोड़ना है। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अप्पू और योगेश ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो मैं अभी निकल रहा हूँ। तरीके का है, कुछ खास नहीं है, बस यही है, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। और बाथरूम जो है वो दिखाने के लायक नहीं है, सो मैं बाथरूम नहीं दिखा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं पूरी, आलू भाजा और छोले। आलू भाजा क्या होता है हिंदी में बताइए? आलू भाजी, ठीक है। टेस्ट कैसा है? वेरी गुड। तो ये जो कैमरा हम लोग कैरी कर रहे थे, ये कैमरा इतना दिन तक बैग में ही पड़ा था, क्योंकि विनोद सर को यूज करने नहीं आ रहा था। और कैमरा किसका था? कैमरा मेरा था। तो पर इसको भी पता नहीं था। अरे मैंने तो बोला, अरे कैमरा है तो कैमरा का बैटरी है, उसको चार्ज करना पड़ता है, चार्ज करके उसको लगाना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है, वो आता ही नहीं है। कैमरा लेके आ गए, किसको आता नहीं है, किसको आता नहीं है? अरे तो वीडियो भूलता ब्लॉगर। तो बेसिकली मैंने भी ट्राई नहीं किया था, अभी ठीक पता चला, अभी इसको मतलब थोड़ा बहुत देखा तो कैसे ऑपरेट करते हैं तो समझ में आया, तो अभी मैं ये सिर्फ ट्रायल कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप में इस कैमरा को काम, मतलब 2 साल बाद फिर इस कैमरा को यूज करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लास्ट का जितना भी ब्लॉग होगा ये इस कैमरे से ही होगा। दिस इज निकॉन डी। तो अभी बेसिकली हम लोगों ने चेकआउट कर लिया हूँ, और जैसे कि अनफॉर्चुनेटली इस बार भी हम लोगों का ट्रेन जो है वो कंफर्म नहीं हुआ। सरायघाट में हम लोगों का ट्रेन था पर वो कंफर्म नहीं हुआ है, इसी वजह से हम लोगों ने फिर से बस बुक कर लिया हूँ। सो फिर आज बस से ही जाएंगे, कौन से बस से जाएंगे वो हम लोग जाके ही दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं फिर सिर्फ मॉल रोड की तरफ, मॉल रोड में कुछ एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे कुछ नहीं, टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि हम लोगों का जो बस है वो 6:30 बजे है और अभी बज रहा है 11:30, तो 11:30 बजे है तो अभी जाके फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए जाएंगे एटलीस्ट 2 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, नीचे उतरेंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। फोक के साथ स्टार्ट किया मॉल रोड का टूर। हम लोग जा रहे हैं न्यू महाकाल मंदिर के तरफ। ये मंदिर क्या शिव जी का है? शिव जी और बुद्धा। अच्छा, वहाँ पे दोनों ही पंडित बैठता है। अच्छा, एक हिंदू पंडित बैठता है, एक वहाँ का बुद्धिस्ट का लामा बैठता है, तो दोनों ही पूजा होता है एक ही मंदिर में। अच्छा, एक साइड हिंदू का पूजा होता है, एक साइड में बुद्धिस्ट का पूजा होता है। अच्छा, तो तुम्हें दोनों ही पूजा करना पड़ता है, लेकिन खा पी के वह मंदिर जाना ठीक नहीं है। हाँ।
तो हम लोग पूजा नहीं देंगे। ये पहले अगर आप आ रहे हो तो पहले से ये मतलब शेड्यूल कर ले कर लीजिए, सुबह सुबह आके यहाँ पे पूजा देके फिर घूमिए। कितना सुंदर सुंदर सब शॉल्स स्वेटर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। ये जो रास्ता है यहाँ से मंदिर प्रवेश कर सकते हैं, तो हम लोग मंदिर तक जा सकते हैं ना, मंदिर हाँ लेट्स गो ना। हाँ नहीं हम लोग पूजा नहीं देंगे मॉल रोड के भीड़ भाड़ से। अगर आपको थोड़ा शांति चाहिए तो इस तरफ आप आ सकते हो, एकदम शांति है, बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, नॉर्मल लोग यहाँ पे जाते हैं, सब बैठ के चिल कर सकते हैं बेसिकली। तो पर हाँ शांति है यहाँ पे, और पहाड़ों का हिल्स का वैलीज का एक पीछे व्यू है जो आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आप फिटनेस फ्रीक हो, जिम विम करते हो, तो ये जगह आपके लिए एकदम सही है, इधर आ सकते हो। यहाँ पे फ्री हैंड के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि बना के रखते हैं। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन हैं यहाँ पे बेसिकली। अभी कम्युनिटी हॉल वगैरह है, ये ब्रिटिश ज़माने का है, सुंदर सा बनाया हुआ। तो अभी सबके मन में एक उदासी है कि ट्रिप ख़त्म हो रहा है और कुछ ही देर में हम लोग निकल जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में हम लोग नीचे उतर जाएंगे दार्जिलिंग से, तो इसलिए योगेश या अप्पू जो भी है उन लोगों के मन में थोड़ा उदासी है, मेरा भी है कि अगेन हम लोग डेली लाइफ में निकल जाएंगे, डेली लाइफ की खिच खिच और कोलकाता की गर्मी में हम लोग अगेन वापस चले गए। पर जो मेमोरीज है वो मेमोरीज सिमटते हुए, सबको सिमटते हुए हम लोग निकल जाएंगे डेली वर्क में, और फिर कोशिश करेंगे जल्दी से और कोई ट्रिप हम लोग शेड्यूल करें, अरेंज करें, और फिर से घूमने के लिए निकल जाए और खुद को पहचानने के लिए निकल जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल मार्केट, एस्टैब्लिश्ड 1971।
हम लोग अभी जा रहे चाय पत्ती खरीदने के लिए। ऐसा जो मिल्क के साथ भी पी सकते हैं, विदाउट मिल्क भी पी सकते हैं। सेकंड प्लस कई फंडा है, आप मिल्क के साथ भी पी सकते हैं, विदाउट मिल्क भी पी सकते हैं। वो दिखाइए सेकंड प्लस। जैसे आपका सेकंड प्लस में ये जो है बेसिक क्वालिटी का चाय है, ये आपका कितना का है रेंज? ये 220 ग्राम्स। 220 ग्राम्स मतलब 22 रुपया किलो। ये बेसिक है। अच्छा, उसके ऊपर ये हो गया बेसिक में। एक जो दिखा रहे वो मीडियम। एक मिनट, ये 690 ग्राम्स। पैकेजिंग है ये समर एलिगेंस। अच्छा, जैसे ये गार्डन ऑफ गीदापार से आए। अच्छा, ठीक है। हम लोग जिसे सुनी गीदापार बड़े मुझे इसके बाद आपको दिखा रहे समर गोल्ड, ये चाय भी बहुत अच्छा है। क्या क्या लिया योगेश? मैंने दो ये बॉटल कैसे यूज होता है? ये बॉटल का यूज है, इसको दो पोर्शन में ढकनी है, इधर एक है इधर एक है। ओके, पीछे का पोर्शन आपको खोलना है ऐसे ऐसे खोल के। ये स्ट्रेनर है, इसमें आपको लीव्स देना है और हॉट वाटर पुट करना है बस। ये बंद कर दिए ऐसे, फिर सामने से सामने का जो ये खोल के ऐसे पीना है बस। अच्छा, तो चाय पीने का तरीका यही सही है? ऐसे ही है, और ये ऐसे रखने से ये चाय भी आपका गर्म रहेगा। अच्छा, ओके। तो इसका कितना प्राइस है? इसका एक्चुअल प्राइस है 490। ओके, और ये दो लिए, एक सेकंड प्लस का लिए अच्छा क्वालिटी का चाय के लिए, और एक ऑटम प्लस के लिए। दोनों का क्वांटिटी 100 ग्राम्स का। ओके, टोटल कितना हो गया? कौन सा कितना प्राइस है? इसका प्राइस है 990। ओके, 490 का, और इसका प्राइस है 1190। हम आपको 1190 देते हैं, ठीक है। ये 490 का है, 450 का जितना हमारा होता है हाथ में रहता है। डिस्काउंट करके 2450। तो आप भी आपका शॉप का नाम क्या है बता दीजिए, और कहाँ पे है? ये दार्जिलिंग में है, और भी बहुत सारा जगह में। अभी यहाँ पे कहाँ पे है एड्रेस? ये तो मॉल रोड में, मॉल रोड में। तो होटल से हम लोगों ने बैगेज ले लिया, हम लगेज लेके हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड पे। वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी शेयर टैक्सी लिए है, तो पर पर्सन यहाँ से लिया है 250 रुपया करके। तो ये है टाटा सुमो, यहाँ पे लास्ट में हम लोगों को सीट मिला है। तो यहाँ से लगभग 2.5 घंटा लग जाएगा, और हम लोगों का 6:30 बजे बस है। तो बस मैं जाके दिखाता हूँ आपको कैसा है, फिर बताता हूँ। मन में बहुत सारा उदासी लेके, मायूस लेके, बहुत सारे मेमोरीज लेके हम लोग नीचे उतर रहे हैं, जा रहे हैं हमारे डेली डे टू डे वॉक में। कोलकाता की गर्म और दार्जिलिंग की ठंडा। तो दार्जिलिंग या संदकफू जो भी है उसका जो वेदर मिस करेंगे, वहाँ का मेमोरीज जो है वो रहेगा। तो हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था मैनी और योगेश ने, और गार्शियंग से हमारे साथ जुड़े थे अप्पूदा। स्पेशल थैंक्स टू अप्पूदा टू गाइड अस कि कैसे घूमना है। संदकफू लेके गए, घुमाए, स्लीपिंग बुद्धा दिखाया। तो अप्पूदा, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से अरेंज करेंगे कोई और एक ट्रिप, कोई और एक जगह, कोई और एक एक्साइटमेंट के साथ। ये थाईलैंड हो सकता है, सिक्किम हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर वो बैठ के एक बार डिसाइड करेंगे, फिर चलेंगे, और आपको एक नए ब्लॉग के साथ आपको एक जर्नी गिफ्ट देंगे। तो आपसे मिलते हैं सिलीगुड़ी जाके। थैंक यू।
मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कि बस कैसा है, पर देख के शायद आपको समझ में आया होगा, आ रहा होगा कि मैं इजी राइड के बस में हूँ। हाँ, मैं इजी राइड के बस में हूँ। पर क्या है, 6:30 बजे का बस था, हम लोगों ने 3:15 को स्टार्ट किया था शायद दार्जिलिंग से, और ऊपर में बहुत ज़्यादा जाम था पूरा, तो 6:30 बजे हम लोग पहुँच नहीं पाए। हम लोग पहुँचे 6:45 और बस हमको कंटिन्यूसली फ़ोन किया गया, सर आप कहाँ हों, सर आप कहाँ हों, सर आप कहाँ हों। और मैं इन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए प्लीज़ वेट कीजिए, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। और सीरियसली हैट्स ऑफ कि बस हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए फुल बस, पूरा बस फुल है, और ये लोग हमारे लिए ही सिर्फ का हुआ है। सो 515 मेरे तरफ से। आते ही मैं अपनी सीट में बैठ गया, क्योंकि मैं, हम लोगों ने अकेले सिंगल सीट लिया हूँ। फेयर है 1900। मैं बस का टूर आपसे करवाऊँगा, डालखुला में फर्स्ट स्टॉपेज है, तो डालखुला में जब रुकेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट स्टॉपेज देंगे। आते ही हमको स्नैक्स ऑफर किया गया, तो ये पानी यहाँ पे कुछ है, मैं अभी खोला नहीं हूँ, और एक छोटा कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये हम लोगों को दिया गया है। और ये पहले ही फ़ोन करके बोला था कि हम लोगों को वेज चाहिए या नॉन वेज, तो मैंने बोल दिया था पहले कि नॉन वेज। तो यही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 फ़ोन नंबर से कॉल आ रहा था, एक बोल रहा था कि बस छोड़ देंगे, एक बोल रहा था कि हम लोग रुके हुए हैं। सो मच ऑफ कन्फ्यूशन, बट स्टिल बस हमारे लिए रुका था। एंड थैंक्स टू इजी राइड एंड थैंक्स टू इजी राइड टीम, एवरीवन, हैट्स ऑफ 515। और मैं अपने जो केबिन है वो दिखाता हूँ, केबिन नहीं है, पर्दे देखे तो मैं वो दिखाता हूँ। छोटा सा एक टीवी, और यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं, ये लाइट है, लाइट का स्विच, यहाँ पे भी कुछ स्विच होगा, ब्रेथ पता नहीं कुछ स्विच है, यहाँ पे भी कुछ स्विच है साउंड वगैरह के लिए, यहाँ पे हेडफोन देंगे शायद, हेडफोन अभी तक दिया नहीं है, तो एसी वेंट है, यहाँ पे एक एसी वेंट है और वहाँ पर भी एक एसी वेंट है, तो ये दो एसी वेंट है। और पीछे का कुशनिंग अगर देखते हो तो ऐसा है, और यहाँ पे सॉकेट है, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। पर एक चीज़ है, अगर आप प्लग नहीं है तो फ़ोन चार्ज करने में टाइम लगेगा, पर टाइम का क्या है, 12 घंटे का जर्नी है, तो टाइम का कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो फ़ोन यहाँ पे भी 3 USB पे चार्ज हो रहा है। पर अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो, अगर लैपटॉप में कुछ काम है और आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है तो दिक्कत है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ काम था, मैं चार्ज नहीं कर पाया हूँ, तो यहाँ पे चार्ज नहीं हो सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई नहीं, वो एडजस्ट कर लेंगे। तो आपसे मैं मिलता हूँ डालखोला में, नहीं पहले आपको दिखा देता हूँ मैं क्या यहाँ पे क्या दिया है, वो तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। ये कुछ एक रोल टाइप का है, लेट मी चेक, आई लुक एट, लेट मी चेक, आई लुक एट, आप देख सकते हो यहाँ पे अमीनिया लिखा हुआ है, और अमीनिया का ये रोल है, एक रोल है शायद, मैं खाया नहीं, एक रोल है, वही स्नैक्स में दिया है, ठीक है। तो चलो आपसे मिलते हैं डालखोला में, वहाँ पे मैं आपका बस का टूर करवाऊँगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक, मेरा चैनल बहुत छोटा है, ग्रो करने की कोशिश करूँगा, कर रहा हूँ, और वीडियो रेगुलर देने के लिए कोशिश करूँगा।
प्लीज सब्सक्राइब, आपके लिए कुछ नहीं है पर मेरे लिए बहुत कुछ होगा, एनकरेज होगा और अच्छा अच्छा वीडियो मैं आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू। बज रहा है 10, 9 साढ़े 9 बजे तक ये बस जो है डाल खुला में आके रुका है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिनर करेंगे। डिनर में मैंने लिया था एक चिकन थाली। चिकन थाली का प्राइस था 220, उसमें एक आलू दम था, एक गुलाब जामुन था, राइस था, आलू भाजा था, दाल था, बस यही था। इजी राइड का वॉल्वो 9600। बस का टूर करवाता हूं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। तो ये ड्राइवर साहब का कैबिन है, बहुत सारे बटन्स। तो ये है कुछ इस तरीके का, ये 1 है सिंगल और यहाँ पे डबल है। मेरा सीट एकदम लास्ट में है। और यह है मेरा सीट। यहाँ पे यवेश, क्या देख रहे हो तुम? चल नहीं रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है सौरभ। अच्छा, कोलकाता से ही हो आप? ओके। कितने दिनों से आप चला रहे हो ये गाड़ी? ये गाड़ी जो है वो 4 महीने का गाड़ी है। अच्छा, और ये 9600 है? 4 महीने से। और इसमें तो पूरा वाईफाई वगैरह सब कुछ है? वाईफाई, सैटरडे सब कुछ है, टीवी ऑनलाइन जो आप ऑनलाइन फोन में दे सकते हैं सभी टीवी में दे सकते हैं। ओके। और मैक्सिमम स्पीड क्या होगा इसका? मेरा मैक्सिमम स्पीड है 120, लेकिन हमारा भी नया गाड़ी है ना, इसलिए हम 80 में ही चलाते हैं। ओके। और दो ड्राइवर सर्विस जब हो जाएगा ना, 1,00,000 किलोमीटर जाएगा तो पर सर्विस होता है। अच्छा, तो सर्विस के बाद पिकअप कर लेते हैं। अच्छा, और भी दो ही गाड़ी है आप लोगों का? दो ही गाड़ी है, नेक्स्ट महीने 4 आने वाला है। अच्छा, और ये सेम रूट पे चलेगा? सेम रूट पे चलेगा, कोलकाता दो टू चलेगा, रांची चलेगा। अच्छा, और कितना टाइम लग जाता है आपका 580 किलोमीटर कवर करने? 12 घंटा लगता है। ट्रैफिक नहीं रहेगा तो 10 घंटे 11 घंटे में पहुंचे मैक्सिमम, आप बिफोर टाइम ही पहुंचा देते हो। और टिकट में जो टाइमिंग है वही टाइमिंग में हम। और ड्राइवर कितना रहता है यहाँ पे? आप डबल ड्राइवर है? डबल ड्राइवर रहता है। ओके। और कितना हॉल्ट होता है आप? हमारा हॉल्ट है दो हॉल्ट है, ये डालकुला में और एक कृष्णा नगर में। 20 मिनट का कृष्णा नगर में हम जो रुकते हैं ना, वो 4 बजे तक, वो सिर्फ की ब्रेक के लिए 5 मिनट। ओके। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। 7:10 और बस जो है प्लेनेट पहुंच चुकी है और 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ऑन टाइम था, मैं एकदम पीछे की सीट में था पर नींद अच्छा आया, बहुत ज़्यादा जार्किंग जो है वो समझ में नहीं आया था। तो मैं तो ऑलवेज रिकमेंड करूँगा एसी राइड को। अगर आपको भी ट्रेन ना मिले या बस का मज़ा उठाना चाहते हो तो
इजी राइड मैं सजेस्ट करूँगा। तो मैं तो पहुँच गया अपने घर, फिर से मिलेंगे कोई एक नई जगह में कोई नई डेस्टिनेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो।